अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, 22 अवैध कट्टे बरामद किए गए हैं, हथियार बनाने के औजार भी यहां से मिले हैं और इस मामले में 4 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी तलाश पहले से जारी थी। दूसरे राज्यों से भी आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। ग्राम बारिया में फैक्ट्री थी जिस पर छापा मारा गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अवैध हथियारों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और धार में चुनाव भी होने हैं आने वाले वक्त में और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस पहले से अलर्ट भी है और इस सजगता के तहत ही पुलिस को ये कामयाबी मिली है। धार से नवीन मेहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, इस पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार पुलिस की जो बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, लोकसभा चुनाव अभी देश में चल रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले जो है बहुत बड़ी कार्रवाई है, ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। ग्राम बारिया में पुलिस ने जो है छापामार कार्रवाई की है और अवैध हथियारों की फैक्ट्री जो है उसको पकड़ा है। 4 जो है कुख्यात सिग्निकर बदमाश जो है वो पकड़े गए हैं और साथ ही 22 जो है वो देशी कट्टे जो है बरामद हुए हैं। साथ ही हथियार बनाने की सामग्री जो है बड़ी मात्रा में जो है बरामद की गई है। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले जो है बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है धार पुलिस की। इस वक्त हमारे साथ में धार SP खुद है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये कार्रवाई जो है किस प्रकार से उन्होंने की। सर, किस प्रकार से आपने कार्रवाई को मतलब पूरा अंजाम दिया? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमने पूरे को अलर्ट किया हुआ है। अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले जो सिंडिकेट समाज के लोग हैं उन पे हमारी पैनी नजर थी। इसी तारतम्य में हमारे SDOP मनावर अंकित सोनी के लीडरशिप में थाना प्रभारी गंधवानी कुकची और साइबर की पूरी टीम ने कल रात बारिया गांव में अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले फैक्ट्री पर रेड किया है, जहां पे फैक्ट्री निर्माण करने के शस्त्र निर्माण करने के बहुत सारे सामग्री प्राप्त हुए हैं, सामग्री बरामद हुआ है और साथ में इनके निशानदेही पे अवैध 22 देशी कट्टे बरामद हुए हैं। जिस गेम को हम लोगों ने ट्रेस किया है, इस गेम का इंटरस्टेट लिंक है, इनका आपराधिक रिकॉर्ड काफी ज्यादा है, हमारे थाने के गैंग हिस्से सीटर भी ये लोग हैं, इनका माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया है और इनके दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के जिलों में वांटेड भी हैं। इस प्रकार जो 4 आरोपी हम लोगों ने पकड़ा है और जिस गैंग को ट्रेस किया है, अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, ये बहुत बड़ा गैंग है, इनसे हमारी लगातार पूछताछ चल रही है। इनका कनेक्शन क्या है, इनके लिंक कहाँ कहाँ है, इनके बैंक खातों के ट्रांजेक्शन क्या है, सभी की हमारी काम चल रहा है, पूछताछ जारी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले पूछताछ में और अच्छी सफलता मिलेगी। सर, क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो ये एक मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में बल प्रयोग और मनी मसल प्रयोग का हमेशा प्रभाव रहता है, तो जिस तरह से हम लोगों ने अपनी जाल बिछा करके इस पूरे गेम को नेस्तनाबूद किया है, तो लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो इसमें इस कार्रवाई का बड़ा अहम रोल रहेगा। और मैं आपके माध्यम से आम जनता से को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हमारे जिले का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। विधानसभा चुनाव हमने बहुत अच्छे से कराए हैं, एक भी वारदात हमारा पिछले बार नहीं हुआ है, वही हिस्ट्री रिपीट होगी। अब पूरी जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर कि वो वोट डाले। सभी बदमाशों पर हमारी पूरी पैनी नजर है, हम सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। सर, खाटला बैठक के माध्यम से भी इनको वो किया गया जागरूक? देखिए, जो समाज है इनका पुश्तैनी धंधा है शस्त्र निर्माण करना, तो पिछले 2 बार मैंने खाटला बैठक करके इन समाज के बीच में जाकर इनको समझाइश दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नवीन जानकारी दे रहे थे और अब लिए चल रहे हैं।